हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स। मेरा नाम है रियाज खान एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। ये हमारे एस्ट्रोजन वाले वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना ताकि ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे मेडिसिंस के ऊपर, कौन सी वो दवाइयाँ हैं जो एस्ट्रोजन कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। रिमेंबर, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इन दवाइयों का डायरेक्ट इस्तेमाल करें, ना अपना ब्लड वर्क कराएं और बिना उन चीज़ों के। तो अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, उसके बिना इन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। तो गाइस, एस्ट्रोजन का ट्रीटमेंट करने के लिए दो तरह की मेडिसिंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है AI, अरोमाटेज इनहिबिटर्स, जो अरोमाटेज एंजाइम है उसके साथ प्ले करती हैं, उसको मिमिक करती हैं अलग अलग तरह से। और दूसरी होती हैं SEMs, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये जो हैं आपके एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं ताकि आपकी बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाए और एस्ट्रोजन को उसके मॉलिक्यूल से कनेक्ट कर होने से रोके। तो गाइस, टाइप ऑफ AIs, इसमें भी दो तरह की AIs आती हैं। एक होती है नॉन स्टेरॉइड नॉन सुसाइडल AI। पहली जो AIs होती हैं अरोमाटेज एंजाइम के साथ कनेक्ट होती हैं और उन फाइट करती हैं टेस्टोस्टेरोन के साथ कि दोनों आपस में मिलके कन्वर्जन ना कर पाएँ। वहीं पे स्टेरॉइड एक तरह की आती हैं, स्टेरॉइड और सुसाइडल AIs। इन AIs के अंदर क्या होता है कि ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल के साथ और अरोमाटेज एंजाइम इन पर काम ही नहीं कर पाता है, परमानेंटली अरोमाटेज एंजाइम को डेड कर देती हैं। तो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, कैसे यूज़ करें, क्या करना है, सब बताएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले नॉन स्टेरॉइड नॉन सुसाइडल AI, इसके अंदर आती है एक मेडिसिन जिसका नाम है अरिमाडेक्स। अरिमाडेक्स, इसकी 0.5 mg to 1 mg डोज जो है आपकी बॉडी के अंदर से 50% एस्ट्रोजन को रिड्यूस कर सकती है। ये नॉन स्टेरॉइडल है, ये अब वही अगेन फाइट करेगी टेस्टोस्टेरोन मॉलिक्यूल के साथ, अरोमाटेज के साथ, कि वो कन्वर्जन ना कर पाएँ। तो डोजिंग की अगर बात करें तो उसकी आप डोजिंग ले सकते हैं 0.5 mg एक दिन छोड़कर, ताकि आपको जो है इससे जो है ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन ड्रॉप ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, 50% तक ड्रॉप कर देती है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को। और बिगनर्स के लिए रिकमेंडेड है, बिगनर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। एडवांस लोगों के लिए अलग AI का इस्तेमाल किया जाता है, जो 2, 4, 5, 6 बार साइकिल कर चुके हैं, उनकी बॉडी और एस्ट्रोजन कन्वर्जन बहुत अच्छी तरह से सीख चुकी है, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी हाई लेवल AI का इस्तेमाल किया जाता है। गाइस, अरिमाडेक्स की हाफ लाइफ 48 आवर्स के आसपास है, 48 घंटों के जो है सिस्टम से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और उसको कुछ 7 से 8 दिन लगते हैं अपना असर दिखाने में, यानी कि आप जब इसकी 6-7 डोज ले लेंगे उसके बाद ये अपना काम दिखाना शुरू करेगी। तो ये है अरिमाडेक्स। अब अगली दवा है नॉन सुसाइडल नॉन स्टेरॉइड AI के अंदर, लेट्रोजोल। लेट्रोजोल इज़ अ वेरी पावरफुल ड्रग, आपको बहुत ही, अगर आप बहुत एडवांस हैं तभी आपको लेना है, वरना इस दवा का इस्तेमाल मत कीजिए। सुपर पावरफुल ड्रग है ये, 2.5 mg पर डे यूज से आपका 98% तक एस्ट्रोजन ख़त्म कर सकती है बॉडी में से। इस तरह की ड्रग का इस्तेमाल करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, आपको पता है लो एस्ट्रोजन के भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगेन, तो इस ड्रग का इस्तेमाल कब किया जाता है? इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है जब आप हाई इमरजेंसी पे आ गए, यानी कि आपको गायनो होना शुरू हो गया है, आपके निपल्स पे फ्लफीनेस आ गई है, तब आप इमरजेंसी में इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 6 दिन स्ट्रेट लीजिए, 6 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी में से पूरा एस्ट्रोजन किल कर देगी, आपके गायनो रिवर्स हो जाएंगे तुरंत ही। मगर नोट, अगर आपका गायनो डेवलप हो चुका है तो ये उस पर काम नहीं करेगी, तब वो ऑपरेट ही होगा। अगर वो ऑपरेट नहीं हो, वो डेवलप नहीं हुआ है ठीक से, वो स्टार्टिंग है, तो इसको 100% रिवर्स कर देगी, आपको गायनो के साइड इफ़ेक्ट्स हट जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इसकी डोजिंग्स के ऊपर। तो इसकी हाफ लाइफ है 3 to 4 days, यानी कि 3 दिन में एक ही बार लेने की ज़रूरत है, और आपको 2.5 mg नहीं लेना है, 1 mg इन 3 days इज़ इनफ। इससे ज़्यादा लोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आप 1 week में 2 बार खाइए बस इसको, और दैट्स इनफ, आपको एस्ट्रोजन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएंगे कोई भी, आप एस्ट्रोजन से सेफ हो जाएंगे। अगेन, इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी ड्रग है, अगर आप इमरजेंसी पे नहीं है तो आप अरिमाडेक्स जैसी माइल्ड ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये तो थी नॉन स्टेरॉइड नॉन सुसाइडल AIs। अब बात करते हैं स्टीरॉइड सुसाइडल AIs, यानी कि जो एंजाइम को परमानेंटली डेड कर देंगी अगर आप इनका यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आती है अरोमासिन।
अरोमासिन जो ये दवा है इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है एंजाइम वो वर्क ही नहीं करेगा, परमानेंटली डेड हो जाएगा। अरोमासिन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका 25% तक एस्ट्रोजन को ये किल कर देगी। अरोमासिन की डोजिंग अगर आप देखें तो 12.5 mg एवरी अदर डे ले सकते हैं आप, सेम डे लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए। हाफ लाइफ इसकी कुछ 30 घंटों के आसपास की है, 27 से 30 घंटों के बीच में आपकी बॉडी से निकल जाती है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन लेना बहुत ही सही माना जाता है। तो गाइस ये तो थी AIs, अरोमाटेज इनहिबिटर्स। अब हम बात करें SERM, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ये होते क्या हैं? ये बेसिकली आपके ओवरऑल एस्ट्रोजन लेवल को कम नहीं करते हैं, ये आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड हो जाते हैं जाके, ताकि एस्ट्रोजन का मॉलिक्यूल उससे कनेक्ट ना हो पाए। अगर वो कनेक्शन नहीं बनेगा उनके बीच में तो आपको गायनो से आने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मगर स्टिल आपके सिस्टम में एस्ट्रोजन लेवल हाई रहेंगे। तो अगर उनको कंट्रोल में रखना है तो आपको एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप करने हैं तो आप AI का यूज़ करेंगे। अगर आपको एस्ट्रोजन जो आपके बॉडी में बन रहा है उसको सिर्फ आपके एस्ट्रोजन एस्टर से कनेक्ट करने के लिए रोकना है तो आप SERMs का यूज़ करेंगे। तो स्टिल इसके और फ़ायदे हैं, PCT में बहुत बेनिफिशियल रहती हैं, क्योंकि जब आपका एस्ट्रोजन ब्लॉक होता है तो आपके पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है कि वो LH और FSH तो हार्मोन से उनको ज़्यादा सिक्रीट करें और मोर टेस्टोस्टेरोन और SERMs की प्रोडक्शन शुरू हो। तो इसके ऊपर हम PCT वाले वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इनमें समझ लेते हैं। इसमें आती हैं दो तरह के मेडिसन्स, पहली है क्लोमीड और दूसरी है नोलवाडेक्स। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, मगर नोलवाडेक्स थोड़ी सी स्ट्रांग है क्लोमीड से, काम दोनों सेम ही करती हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं डोजिंग के ऊपर, सबसे पहले शुरू करते हैं क्लोमीड से। इसको क्लोमीड को बॉडी में एक्टिव होने में 5 से 7 दिन लगते हैं, आपकी बॉडी में पीक पे जाने में 5 से 7 दिन लगते हैं, यानी कि अगर आप आज क्लोमीड शुरू करते हैं तो 7 दिन में अपना असर दिखाएगी। तो उसके हिसाब से आपको जो है 25 to 50 mg की डोजिंग आप रख सकते हैं। बिगनर है तो 25 mg से शुरू कीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए, आपको जो है रिजल्ट आएंगे, आपके एस्ट्रोजन लेवल पे फ़र्क पड़ेगा, आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, सिमिलरली आपके एस्टर भी ब्लॉक होंगे। वहीं की नोलवाडेक्स स्ट्रांग है तो आप 20 mg डोज से शुरू कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, आपके एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होंगे और आपके एस्ट्रोजन लेवल जो है वो कंट्रोल में आएंगे अगर आप इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। स्टिल अगर आप बहुत ही बिगनर हैं तो नोलवाडेक्स 10 mg एवरी डे भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हो जाए। आप इसको मैक्सिमम 4 वीक्स तक ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पिट्यूटरी डैमेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए 4 हफ्तों से ज़्यादा किसी का भी इस्तेमाल ना करें। सो गाइज ये था वीडियो एस्ट्रोजन कंट्रोल के ऊपर, आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और एप्लीकेशन लॉन्च होने वाला है नेक्स्ट वीक, एक वीडियो के साथ एप्लीकेशन आपके सामने होगा। वी आर कीप इम्प्रूविंग द एप्लीकेशन, सो आई होप आपको वो भी बहुत पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज।